अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वुमेंस क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, घर में शादी है तो मुझे बहुत सारे ड्रेस बनाना है, तो सोचा जितनी भी ड्रेस बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज मैं आपसे एक ड्रेस शेयर करने वाली हूं जो कि करारा पैटर्न है और ग्रीन कलर का है, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो मैंने सोचा आपसे इसका ट्यूटोरियल भी शेयर कर लूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके कि घर में भी आप किस तरीके से एक बेहतरीन ड्रेस कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यकीन जाने, जो घर का ड्रेस आप बनाते हो वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है और हर कोई आपके ड्रेस की तारीफ भी करता है। तो चलिए फिर वो ड्रेस का आज ट्यूटोरियल देखते हैं। ये है जो है पूरे 5 मीटर का कपड़ा है और इस पर जो दिवाली लगाने वाली हूँ, इस पर दुपट्टा मैं ऑरेंज कलर का ही लूँगी क्योंकि इसके ऊपर जो बूटे हैं ये जो है ग्लास की बनी हुई जो है ये क्या बोल चलिए। तो ये जो सीक्वेंस दिए है, ये जो इस पर पैच छोटा सा लगा हुआ है सीक्वेंस का, ये ऑरेंज कलर का था, इसीलिए जो लेस है मैंने ऑरेंज कलर की ही ली है। देखिए इस पर कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो चुका है क्योंकि स्टोन ये इससे मैच होते हैं, काफ़ी रिजेंबलेंस है और जो कलर है ऑरेंज ये इस पैच से जो है रिजेंबलेंस हो जाएगा। तो मैं सिंपल वाला गरारा आपको बताऊंगी। वैसे तो सबसे पहले मैं कुर्ते की कटिंग करूंगी, तो यहाँ पे मैंने इनर की कटिंग पहले ही कर लिया है, तो यहाँ पे जो है बाय मिस्टेक ली, वहाँ पे जॉइंट आ गया था, मैंने देखा नहीं था। अब मैं इसे अंदर ही दबाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। तो मैं सबसे पहले इनर की कटिंग करने के बाद फिर इस कपड़े की कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने कुर्ते की कटिंग काट लिया है, अब मैं जो है गरारे की कटिंग काटूँगी। यहाँ पे मैंने आस्तीन कटिंग की, आस्तीन की तो मैं इसकी गेजिंग करने वाली हूँ। गेजिंग करने से क्या होता है, आसान हो जाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसलिए जो है मैं इसकी गेजिंग कर ले रही हूँ, नहीं तो आप छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकती है। तो फिलहाल मैं इसकी गेजिंग करके इसे जॉइंट कर लूँगी और इसके ऊपर जो है लेस लगा लूँगी जो मैंने आपको शो की थी। ये इक्वली होना चाहिए, मैं ये नॉर्मल गेजिंग है जैसी नॉर्मली गेजिंग करते हैं, तो इसका मैं मुझे ये 30 इंच तक लेकर आना है गेजिंग करके। इसे छोटी 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 देखिए इसकी गेजिंग बनेगी इस तरीके की। तो चलिए इसकी मैं पूरी गेजिंग बना लेती हूँ। तो चलिए फिर इसकी गेजिंग बनके देखिए रेडी हो चुकी है, अब बस मुझे इसे अटैच करना है और उसके ऊपर लेस लगा देना है। ये पूरी एक पाइचे की जो है गेजिंग मैंने कर लिया है, अब दूसरे पाइचे की मैं कर लूँगी। तो गरारे की इनर के लिए मैं जो है वो सादा जो है प्लाजो काटूँगी, उसके ऊपर मैं ऊपर गरारा बना के इसे नेफे से अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्रॉच की मार्किंग करके मैं फुल लेंथ ले लूँगी। अब मैं ये थोड़ा जो है काफ़ी चौड़ा बनाने वाली हूँ, गरारा काफ़ी घेरदार रहेगा। यहाँ पे मार्किंग हो गई है, अब मैं इस पर कटिंग लगा लूँगी। अब इनर की ऊपर मैं गरारे का कपड़ा रख कर यहाँ पे ऊपर के पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है क्रॉच है वह एक्स्ट्रा में लगा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल होता है पहनने में, इसलिए मैं जो है वो कपड़ा एक्स्ट्रा लेके बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके इसे 2 भागों में अलग कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे क्रॉच लगा दूँगी।
पर मैं ये वाली लेस लगाने वाली हूँ, ऑरेंज कलर में है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ऑरेंज है, तो ये लेस इसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। चलिए फिर लगाते हैं और बनने के बाद देखते हैं ये कैसा रेडी होता है। तो चलिए, तो मेरी ड्रेस की कटिंग हो गई है, अब मैं इसकी जो है सिलाई करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है स्टिचिंग करूँगी, तो स्टिचिंग करने के बाद हम बताएंगे ये कैसा है। इस ड्रेस पर मैंने दुपट्टे का जो कॉम्बिनेशन ऑरेंज कलर का दिया है, तो मेरे पास बची हुई जो बाकी कपड़े की थी कतरंग, तो मैंने सोचा चलो इसको दुपट्टे पर लगा लिया जाए तो ये लेस का काम करेगा। तो मैं ये चारों तरफ बॉर्डर पे लगा लूँगी और उसके बाद जो बची हुई जो लेस थी मेरी वो ऑरेंज कलर की, मैं इस तरीके से ऊपर साइड में इसे जॉइन दे दूँगी, तो ये दुपट्टा भी इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा जो है गरारा बनके तैयार हो चुका है। ड्रेस अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।